लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। मां की दुआए जिसके साथ क्या कोई देगा उसको निर्बल नहीं ये नारी कोमल सही ये नारी तूफान के आगे इसने हार कभी ना मानी नारे की ये कहानी। निर्बल नहीं
कौन हो? मैं जब चमकती हूँ तो लोग आंख बंद कर लेते हैं, कड़कती हूँ तो कान बंद कर लेते हैं, सर पर गिरती हूँ तो दिल थाम लेते हैं। हाँ अच्छा ये बात है। अरे बहुत बोलती है तू, लेकिन तू है कौन? जरा हमें अपना नाम तो बता। मेरा नाम बिजली है। हिलना मत, ठहर, उंगली मुंह पे रख, बहुत अच्छा लगता है। बोल, लड़की को कहाँ ले जा रहे थे? बोल। ओ मोती, कितनी बार तेरे को बोला कि कुत्ते की तरह भौंका मत कर। मोती कितना अच्छा होता अगर तू एक प्यारा सा गधा होता तो तेरी सुरीली आवाज 12 बजे निकलती और मैं अपना सपना पूरा कर लेती। मैं उन लोगों को मार मार के उनका गाजर का हलवा बनाने ही वाली थी के मोती। हेलो, इनकी सुनो, यहाँ पर सब यही समझते हैं कि जो इसको पता है वो किसी और को पता नहीं, बस यही तो हम लटक के सटक जाते हैं। अरे भाई मुझे मालूम है 6 बज चुके हैं और 7 बजे गाड़ी आने वाली है, लेकिन बिजली को चमकने कड़कने हर रास्ता तय करने में वक्त नहीं लगता। लो इनकी सुनो, अरे ओ बरखा रानी, मोहन के साथ तेरी शादी सावन में होने वाली है तो तू अभी से जलेबी की तरह चक्कर क्यों काट रही है? चलो उठो सीधी। अरे उठ सीधी, ओ नाश्ता तैयार करो सीधी। सीता जी, ओ सीता जी, आप जमीन से चिटक के क्यों सो रहे हैं? आपको कोई उठाकर नहीं ले जाएगा, चलो उठो, स्कूल नहीं जाना। दीदी दीदी चलो उठो। पिताजी, दुनिया में हर बीमारी का इलाज हो सकता है मगर ये सोचने की बीमारी का कोई इलाज नहीं, बस यही तो हम लटक के सटक जाते हैं। अरे क्या करूं बेटी, हाथ पांव तो काम करते नहीं, सिर्फ सोच सकता हूँ। काश अगर मेरा बेटा होता आज तुझे मर्दों वाले काम ना करने पड़ते। लो इनकी सुनो, काम पर मर्द या औरत का ठप्पा नहीं लगा रहता। नहीं नहीं, अगर मेरा बादल बदरिया होता तो क्या ये थांगा नहीं खींचता? जरूर खींचता। अरे इस मामले में तो हम जानवरों से भी गैर गुजरे हैं, बस इसीलिए लटक के सटक जाते हैं। लो इनकी सुनो, जरा सी तारीफ क्या कर दी, क्या हो गई शुरू? अच्छा चल तू जा, दाना पानी दे दो उसको, जा। कमाल है। अबे आजा, खाले खाले पेट भर के ठूस ले, तारीफ के चक्कर में रहेगा ना तो लटक के सटक जाएगा। ये अपना हीरा कहाँ गया? घूमने गया? मैंने उसे कहा था कि दर्जी के घर से कपड़े ले आए। ओ, तो हीरा महाराज यहाँ है। लो इनकी सुनो, दांत दिखाकर बंदर छाप मंजन का प्रचार करने की क्या जरूरत है? जिसको देखो वही स्टाइल मारता है, बस इसीलिए तो लटक के सटक जाते हैं। तुम नीचे उतरो, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। अभी मस्का लगाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने तुझसे क्या कहा था कि दर्जी से मेरे कपड़े लिया, तू सीधा झाड़ पर चढ़ गया। क्या मैं तेरे से नहीं बोलती?
इनकी सुनो। भूरेलाल जी, आप तो गांव के जमींदार हैं, यहाँ की बहू बेटी की रक्षा करना आपका काम है, आप छुप छुप के क्या देख रहे थे? फसल फसल देख रहा था। अरे ये तो बहुत पुराना सिस्टम है कि जमींदार सारी गांव की फसल का ध्यान रखता है और जो फसल पक जाए तो उसे काट लेता है। अरे अच्छा हुआ तेरी कोई बहन नहीं है, वरना उसे भी अपनी बाप की फसल समझ के कब का काट लिया होता। ओए होए बिजली रानी, भगवान ने अपना सिस्टम बहुत सोच समझ कर बनाया है। ऐसा लगता है बिजली कि तुम्हारा सिस्टम भी मेरे लिए भगवान ने अपने हाथों से बनाया है। आए होए, जिसे देखते ही मेरा सारा सिस्टम फेल हो जाता है। मैं तेरा सारा सिस्टम अभी ठीक कर देती हूँ। सच्ची मोती जी? अरे जहाँ तक मेरा नाम भी भूरा लाल है और भूरा रंग की चूटी बड़ी जोर से काटती है। अरे हो गया तेरा सिस्टम ठीक। चंदनपुर, चंदनपुर की सवारी तैयार है। चंदनपुर कोई है? चंदनपुर अरे ये बिजली किधर चली गई? मास्टर जी ये है हमारा गांव, अब आपकी तालीम इसे बदलते हुए हिंदुस्तान की मिसाल बना देगी। स्कूल की किताबें तो मैं बच्चों को पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ आप भी उन्हें इंसानियत का सबक सिखाते रहिए। आप जहाँ कहेंगे वहाँ पहुँचा दूंगा। आइए आइए, उस मिट्टी के पास पहुँचा दे जिसमें मिलकर तुझे फना हो जाना है। तो चलिए कब्रिस्तान ले चलता हूँ। कब्रिस्तान पहुँचाने के लिए टांगे की नहीं कांधे की जरूरत पड़ती है। पेटी तेरे बाप की है, चल नीचे रख, देखता क्या है, चल उठ। ये कौन है? अरे मास्टर जी आपने बिजली को नहीं पहचाना? बस यही तो हम लड़के समझ जाते हैं। अरे ये मोदी यहाँ बैठा क्या कर रहा है? देख प्यारे लाल जी जा रहे, जा रो। अरे 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 मोती, अरे रुक जा मोती के बच्चे, मुझे तेरी बिजली के टांगे में नहीं बैठना है। अरे पर आपको कैसे पता लगा मैं मास्टर जी हूँ? अरे शहर की चीजों की यही तो खास बात है, डिब्बा देखकर माल का पता चल जाता है। अरे हीरा ओह करके क्या देख रहा है, चल रामू दादा का सामान। यही तो मैं लटक के तटक जाती हूँ अपनी सवारी के चक्कर में, आपके पैर ही छूना भूल गई। अरे बेटी क्यों मेरे पाँव को गुनहगार बनाती है? अरे अपने पैरों के गुनहगार तो आप खुद ही हैं, इन्हीं पैरों के सहारे आप गाँव गाँव जाते हैं, लोगों का दवा दुआ से फायदा करते हैं और इन्हीं के बारे में नहीं सोचते। तू नहीं समझेगी। मैं कभी नहीं समझूंगी। चलो चल हीरा और चल बादल बन कर रहे। अरे क्या चाल है तेरी। मास्टर जी ये है हमारे प्यारे लाल जी, इनको निरोध से खानदानी विरोध है। टीवी रेडियो अखबार पोस्टर सब निरोध का प्रचार करते हैं, मगर यह है कि सरकारी बात इनके समझ में नहीं आती। जय धनादन जय धनादन जय धनादन, बच्चे पैदा करते चले जा रहे। छह लड़की और तीन लड़कों के बाप है ये। पांच लड़के हैं। माफ कर दीजिए। अरे बादल हनुमान चौक आ गया। रोक लो। नाराज हो गए। निरोध, इतने सारे निरोध। अरे प्यारे लाल जी बारे न्यारे हो गए। मेरी इसी बकबक की वजह से मैं तुम्हारे टांगे में नहीं बैठता, आज के बाद मैं कभी नहीं बैठूंगा, लेकिन तेरे टांगे में नहीं बैठूंगा। चली आती है खटारा टांगा लेकर बदतमीज कहीं की, कुत्ता पीछे लगा लेती है, कभी बंदर पीछे लगा देती है, कभी बिल्ली। अरे बाला चल। क्या समझती अपने आप को,
बदतमीज कहीं। मास्टर जी, ये हमारे रामू दादा बहुत नटखट है। इनके सिर्फ दो बच्चे हैं, मियां बीवी टिप टॉप दो के बाद फुल स्टॉप, मियां बीवी टिप टॉप दो के। अरे लो इनकी सुनो, हकीम चाचा आप भी देखिए, मास्टर जी आप भी देखिए, ये हमारी बहन बरखा और साथ में मोहन है। सावन में इनकी शादी होने वाली है, फिर आप इसे इतनी बेशर्मी की क्या जरूरत है? कोई चीज भागी जा रही है। आजकल के लोग प्यार कम करते हैं और ढंढोरा ज्यादा पीटते हैं, बस इसीलिए तो हम लड़के समझ जाते हैं। आओ ना मोहन। अरे भाई, तुमसे कितनी बार कहा है कि सोमवार को मुझे संजय दत्त कह के पुकारा करो, मंगलवार को मिथुन चक्रवर्ती, बुधवार को मैं शूटिंग नहीं करता, फिर गुरुवार को गोविंदा, शुक्रवार को शम्मी कपूर, शनिवार को शत्रुघ्न सिन्हा, और इतवार को इतवार को अमिताभ बच्चन। तो फिर आओ ना, आज तो इतवार है और इतवार को तो तुम शूटिंग करते हो ना? नहीं, अगर अनजाने में भी हमसे कोई दीवार गिर जाए तो शोले पैदा कर देती है। तुम चाहे मुझे नमक हलाल कहो या नमक हराम, लेकिन शादी मेरे लिए आखिरी रास्ता है, और ये आखिरी रास्ता मैं तब तक नहीं अपनाऊंगा जब तक मैं फिल्म इंडस्ट्री का शहंशाह बनकर आनंद नहीं ले लेता। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। गंगा की सौगंध, खून पसीने की कसम, अगर ये डान चाहे तो बंदे हाथ से भी जंजीर तोड़ सकता है। नहीं, अरे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कहाँ घुसी चली आ रही हो? अम्मा, मैं पूछ रही हूँ तुम मोहन के साथ खेत में क्या कर रही थी? हाँ, बरखा क्या हुआ? दीदी, दीदी वो हीरो बनने के लिए बंबई जाने की बात करता है। घबरा मत, देख जवानी में लोग बहुत से सपने देखते हैं। ये अपना हीरा ना, हीरा ये भी सपना देखता है कि मैं एक दिन नारियल फोड़ कर खा जाऊंगा, मगर इसे फोड़ नहीं पाता। अब रोना बंद कर और जा जा खाना खा लो। दीदी जाओ खाना खा लो। चेत ने एक ढेला नहीं और चला है बंबई का सपना देख। बस इसी सपने के चक्कर में तो हम लटक के सटक जाते हैं। ये चंगेज़ा कौन है? इस इलाके में 100 गांव के अंदर जो भी बच्चा पैदा होता है उसकी जन्म कुंडली में मौत की जगह चंगेज़ा लिखा होता है। शुक्र है भगवान का कि वो इस गांव से गुजर गया। लेकिन वो इस गांव में आया क्यों? चंगेज़ा अपना रास्ता सुनसान इलाकों में नहीं बनाता, वो हमेशा भीड़ को चीरता हुआ गुजरता है ताकि उसके घोड़े की टापों की आवाज से जिंदा तो जिंदा पैदा होने वाले बच्चों के दिलों पर भी उसकी दहशत फैल जाए। अब कहां जा रही है? मास्टर, ये तूफान जहां जाकर थमेगा वहां मौत चीखेगी। जो कपड़ों पर रंग चढ़ा दे
उसे रंगरेजा कहते हैं, और जिंदगी पे जो मौत का रंग चढ़ा दे उसे चंगेजा कहते हैं। हमारे स्वागत के लिए तुमने फर्श पर कालीन नहीं बिछाया, इसलिए हमने लाशें बिछा दी। बताओ मरने से पहले कितनी देर तड़पना चाहते हो? माफ करो चंगेजा, दो दिन बाद मेरी बेटी की बारात आने वाली है, घर में सारे मेहमान आ गए हैं। इस इलाके का पत्थर भी मेहमानों की इज्जत करना जानता है। अब चंगेजा तुम्हारे मेहमानों की इज्जत बढ़ाएगा। वो आए थे तुम्हारी बेटी की डोली उठाने, लेकिन अब वो तुम्हारी अर्थी उठाएंगे। जब 100 बच्चे मां के पेट में मरते हैं तो चंगेजा का एक दुश्मन पैदा होता है, इसलिए इसके अर्थी धूमधाम से निकलने चाहिए। मगर याद रहे, चिता इतनी दूर जलाई जाए कि उसका धुआं भी चंगेजा के इलाके को ना छू सके। चंगेजा ने एक शिकार और किया। शिकार चंगेजा जी करते हैं, और गिनती आप क्यों रखते हैं भूरे लाल जी? इसलिए कि लोगों को मेरे और चंगेजा के दरमियान का सिस्टम समझ आता रहे, वो मुझसे खौफ ज्यादा रहे, मुझसे डरते रहे। गधे ने कितना भी खून बदन पे लगा लिया तो उसे कोई डरेगा क्या? आप मेरा पूरा नाम क्यों नहीं लेते? अबे साले, अगर तुम मेरी मरी हुई बीवी का भाई ना होता तो मैंने तुम्हें कभी से घर से बाहर निकाल दिया होता। अगर ज्योतिषी ने ये नहीं बताया होता कि आप जल्द मरने वाले हैं तो मैं कब का घर से निकल चुका होता। तू मेरे मरने के सिस्टम का इंतजार कर रहा है? फिर से आपने मेरा पूरा नाम नहीं लिया। नहीं लूंगा। बाबूजी ये क्या है, जल्दी से बताओ ये क्या है? अरे बाबूजी 5,000 रुपए हैं। अब देखना परखा की शादी हम कितनी शान से करेंगे। अरे बेटी, इस तरह अपने जान को जोखिम में डालकर रुपया लाने की जरूरत नहीं है। दिन रात मेहनत करने से डरते हैं, इसीलिए तुम लटक के सटक जाते हैं। दीदी 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 मोहन भाग गया। दीदी बम्बई, और वो जाएगा कहाँ? फिल्मी बीमारियों का अस्पताल तो वही है ना, वो वही गया है। ले पढ़ ले इसे। अगर उसे जाना ही था तो पहले मुझे शमशान घाट पहुंचा कर जाता। दीदी मैं रेल के नीचे कटकर अपनी जान दे दूंगी। इसे न दुआ काम आएगी और न दवा, और सुन ले मेरी बात, वो मोहन भी शहर से वापस नहीं लौटेगा, इसलिए कि अगर वो कामयाब हो गया तो खुशी के मारे नहीं आएगा, और अगर वो कुछ नहीं कर सका तो शर्म के मारे नहीं आएगा। वो लौटेगा, जरूर लौटेगा। भगवान क्या दुनिया के किसी भी कोने में होगा तो भी मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। आपके पास मोहन की तस्वीर है? हर साल की तरह इस साल भी हम सब मिलकर फसल काटेंगे। फसल बोएंगे, फसल काटेंगे, सब यही कहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम अपना पसीना बोते हैं और गरीबी काट कर अपने घर ले जाते हैं, लेकिन हमारी सारी फसल तो भूरेलाल कोड़ियों के भाव खरीद लेता है। अरे तो क्यों बेचते हो? पानी भगवान बरसाता है, खाद और मिट्टी तुम सरकार से लेते हो, जमीन तुम्हारे बाप दादाओं की है, हल तुम चलाते हो, अपने खून पसीने से मिट्टी सींच के अनाज तुम पैदा करते हो, फिर ये भूरेलाल कौन है? अच्छा भूरे लाल कौन है? अरे भूरे लाल वो है जो यहाँ की भूरी मिट्टी को लाल कर देता है। भूरे नाम है मेरा, भूरे लाल। ओ तो तुम्ही ने डरा रखा है, इसीलिए अपना अनाज गवर्नमेंट की सोसाइटियों को ना बेचकर कौड़ियों के भाव तुम्हें बेचते हैं? हाँ अरे बेचते हैं, इसलिए इनकी बदन की हड्डी पसली का सिस्टम अभी तक ठीक है, वरना कितनी बीवियां विधवा हो गई होती, कितने बच्चे यतीम हो गए होते, और ना जाने कितने दाने मुझे अपने सार में और डालने पड़ते। जिस दिन पसीना बहाने वालों में सर कटाने की रस्म चल पड़ी, उस दिन तुम्हें इस हार में इतने दाने डालने पड़ेंगे जिसके बोझ से तुम्हारी गर्दन झुक जाएगी। ए मास्टर, लगता है पढ़ाते पढ़ाते तेरे दिमाग का सिस्टम फेल हो गया। भूरेलाल, जिस दिन गरीब के दिमाग का सिस्टम फेल हो जाता है ना, उस दिन दुनिया के हर सिस्टम की धज्जियां उड़ जाती हैं। गांव वालों, इस गांव का मुखिया होने के नाते मैं आप लोगों से कहता हूं कि जैसा मास्टर जी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे।
इस बार हम अपना सारा अनाज गवर्नमेंट की सोसाइटी को बेचेंगे। सालों किधर जाते हो? अब सालों एक एक को देख लूंगा। याद रखना मेरा नाम भी भूरे लाल है। चंगेजा जी, आपने अभी तक ये क्यों नहीं पूछा कि मैं यहाँ क्यों आया? आसमान में गिद्ध तभी मंडराते हैं जब उनको मुर्दा दिखाई देता है। इलेक्शन हमें भी दिखाई दे रहा है। आजकल आपके नाम के घर घर में चर्चे हो रहे हैं चंगेजा जी। अच्छा है, जितने हमारे चर्चे होंगे समझ लो उतने ही वोट तुम्हारे हो गए। वो कैसे? जब कभी भी मौत की चर्चा होती है स्वर्ग का झांसा देने वाले पंडित को उतना ही फायदा होता है। सो तो है, मगर उसके लिए इतना खून खराबा करने की क्या जरूरत है? सबूत है। जिस दिन इस इलाके से चंगेजा का डर निकल गया समझ लो उस दिन तुम्हारे नीचे से कुर्सी निकल गई। सो तो है, कहते हैं जिसके पास शक्ति है उसके पास अकल नहीं होती, मगर आप तो बहुत अकलमंद है। आप नेता क्यों नहीं बन जाते? मेरा मतलब है चंगेजा जी, आप अंदर जैसे हैं वैसे ही रहिए, बाहर से सिर्फ बदल जाइए। कुत्ता, कमीना, सुअर की औलाद, ये सब गालियां चंगेजा को बहुत पसंद है, लेकिन कोई उसे दोगला नेता कहे ये चंगेजा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सो तो है। अच्छा मैं चलता हूं। जय भवानी। सरकार, मैंने जिस लड़की का बलात्कार किया था वो केस खुलने वाला है। मैंने सुना है जज के सक्सेना बहुत सख्त आदमी है। मिसेस सरा। जी सरकार। सक्सेना से जाकर मिलो और उसे कहो कि ठाकुर दुर्जन सिंह को बाइज्जत बरी कर दे, वरना चंदनपुर में जो उसके खानदान रहते हैं उनका दाह संस्कार भी हम चंदन की लकड़ी से करेंगे और उसकी खुशबू बैठे बैठे शहर में उसके नाक तक पहुंच जाएगी। जी सरकार। ये लीजिए 20,000। अरे राम राम चंगेजा, राम राम। तुम्हारा कौन सा सिस्टम फेल हो गया है भूरेलाल? अरे भाई, जब तक तेरा साथ अपने साथ में है तो किस साले की मुसीबत आई है जो अपने सिस्टम फेल कर सके? हाँ, तो फिर कौन सी माँ है जो अपने बेटे का श्राद्ध कराना चाहती है? बस यही गड़बड़ है। एक हो तो बताओ ना, ये साला मुखिया सारे गाँव वालों का श्राद्ध कराना चाहता है, सारे गाँव वालों को तेरे खिलाफ भड़का रहा है। मेरे खिलाफ? यानी कि चंगेजा के खिलाफ? चंगेजा का नाम सुनकर भड़कती हुई आग भी बुझ जाती है, ये साले मुर्दों में क्या जान आएगी? नहीं आएगी तो नहीं आएगी, लेकिन फर्ज करो अगर ये मुर्दों के सिस्टम में जान आ गई तो? तू कहना क्या चाहता है? यही कि इससे पहले कि ये भूखे नंगे अपने हथियार उठा ले। हल्ला! नहीं, नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। बाप को तुम्हारा ये बंद दरवाजा नहीं रोक सकता। जाने दो मुझे, जाने दो। लगता है तुझे अपना सर अपने कांधे पर भारी लगने लगा है। नहीं, चंगेजा तेरा वजन हल्का करने आया है। चंगेजा, याद रख, खून पसीने के अधिकार की लड़ाई को कोई नहीं रोक सका और जिसने रोकना चाहा उसका नाश हो गया। तेरा भी एक दिन सब नाश हो जाएगा। बहुत दूर दूर तक गई होगी तेरी आवाज, इसलिए तेरे जिस्म के टुकड़े भी बहुत दूर दूर तक जाएंगे। अरे ओ गांव वालों, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हो? सरकार, यही है वो मास्टर। मुझे मालूम है, चंगेजा कफन देखकर मुर्दे का पता लगा लेता है। मास्टर, जब पानी को गर्म करो तो गर्म होके उबल तो पड़ता है, मगर उसमें इतनी सी भी आग नहीं निकलती कि एक बीड़ी भी जलाई जा सके। मगर मैं देख रहा हूं तुझमें बहुत आग है और चंगेजा को आग बुझाने में बड़ा मजा आता है। रुक जा चंगेजे, इस आग को मत बुझा,
ये वो आंख नहीं जो जलाती है, ये वो आंख है जो भटकमों को रास्ता दिखाती है। ये कि मास्टर है, इसका दर्जा मां से भी ऊंचा होता है। मां तो फकत एक गोश्त के लोथड़े को जन्म देती है, लेकिन मास्टर उसे इंसान बनाता है जिसके कंधों पर सारी इंसानियत का बोझ होता है। ठीक कहा तूने, हम सबको मास्टर की इज्जत करनी चाहिए, इनके पांव भी जमीन पर नहीं पड़नी चाहिए, और तुम इनका बोझ अपने कंधे पर उठाओगे। हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारी इन बूढ़ी हड्डियों में कितनी ताकत है। बांधो सबको। सरा खुशियां मना चौधराइन, इतना बड़ा धमाका तो चौधरी की शादी पे भी नहीं हुआ था। खुशियां मनाओ। कहा मंसूर ने, चूली पर चढ़ के ऐ लोगों, तू मारेगा एक तो होंगे हजार हा पैदा, और जितने भी पैदा होंगे एक एक करके सब मारे जाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह जंगल के पेड़ मजदूरों के हाथों एक एक करके कटते ही जाते हैं, कटते ही जाते हैं, कटते ही जाते हैं। ये मत भूल चंगेज़ा कि उन्हीं पेड़ों की किसी एक लकड़ी से तेरी भी चिता चलेगी। हाँ, मेरी चिता लकड़ियों से नहीं, तुम जैसे महान हस्तियों की हड्डियों से चलाई जाएगी। भीड़, अरे भीड़ मत ले आओ। भाई टिकट, टिकट भाई साहब, टिकट टिकट, अरे यार फिर टिकट, अरे टिकट लाओ, अरे भाई टिकट लाओ, अरे भाई टिकट। ए मुन्ना, ए क्या कर रही है, क्या क्या कर रही है? आपके शहर के लोग बड़े चोर उचक्के लफंगे होते हैं। क्या कह रही है? हाँ हाँ, आँख मिलाते हैं तो काजल निकाल लेते हैं, हाथ मिलाते हैं तो अंगूठी निकाल लेते हैं। इसीलिए कोई हमारी जेब न मार ले, इसलिए हमने टिकट जूती में छुपा रखा है ना। ये लीजिए, बहुत अच्छा किया आपने। टिकट टिकट। अरे भाई साहब, क्या हुआ? आप सबकी टिकट लेते हैं? बिल्कुल। तो फिर आपने इनको जरूर देखा होगा। अरे भाई, यहाँ 500 चढ़ते हैं और 500 उतरते हैं, हम किस किस का ध्यान रखें? ये लो अपना, चलो यहाँ से चले आते हैं कहीं से भी। टिकट। अरे चोर, साला, तुमने सब बच्चे तुम्हारे माफी पैदा किया, एक भी बच्चा मेरे पे नहीं गया, इसमें से एक भी बच्चा मेरा है कि नहीं? होमी तो नहीं, शर्म नथी आती है वो बोलता। अरे तो जोड़े आए बच्चा लोग, तूफान काहे से? अरे मैं तुम्हें पर शादी के पहले इविज मस्ती करता था। चल चल, शादी के पहले मैं एकदम शरीफ आदमी था, शादी के बाद तुमने मेरी शराफत को खत्म कर दिया। हाँ साला, क्या तुमने बच्चा पैदा किया? मालूम नहीं पड़ता इंसान का बच्चा है, गधे का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है कि घोड़े का बच्चा है। 100% तेरा बच्चा है। तेरा मतलब साला मैं गधा हूँ? हाँ तो गधा रहा। चल, तेरे साथ झगड़ा कर करके मेरा गला बैठ गया। ये बच्चे लोगों को भेलपुरी खिलाओ, चना पूरी खिलाओ, पूरी पूरी खिलाओ, बटाना पूरी खिलाओ, तुम मत खाना, खा खा के जारी हो गई है। मैं बाजू के दुकान में पानी पी के आता हूँ। हाँ, चलो चलो जल्दी करो, भेलपुरी दो, पानी पूरी दो, जल्दी खुद खाएगी, बच्चे लोगों को नहीं खिलाएगी। घर में भी सबके लिए खाना बनाती है, खुद खा जाती है। मेरे को तो यतीम बना दिया, मेरी समझ में नहीं आता क्या करने का।
सुनिए, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। अरे पूछो पूछो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ बात पूछो। आपने ये तस्वीर देखी? अरे तस्वीर को मारो गोली, हमारे सामने जो तस्वीर है ना वो हमको बहुत अच्छा लगता है। आप पागल हैं? नहीं बाबा। तो फिर आप इतने बदतमीज क्यों हैं? आपकी बीवी है, बच्चे हैं, आप इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? अरे साला हमारा बीवी एकदम सरेला अंडे के माफिक, एकदम जूना पुराना खटारा मॉडल। साला हमारा गले कैसे पड़ गए हमको ही नहीं मालूम पड़ता है। हाँ, उसका आवाज है कान के अंदर जैसे कौवा बोलता है का, 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 का। उसका आंख है ना वो एकदम फिरेला है, वो दूसरे को देखती है तो हमको लगता है कि हमको देखती है। अरे हम तो उससे बहुत कंटल गया है, उसको छोड़ के हम तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार है। आई तो सुबह बोले छो मी। नहीं डार्लिंग, मैं तो कुछ भी नहीं बोला था, मैं तो बोल रहा था कि तुम्हारा आवाज कोयल की माफी के बोलता है तो कान के अंदर कू कू होता है। हाँ मैं ऐसा ही बोलता था ना। ममना तेरे बताओ चुकरिया, अंदर कहाँ जावत हो? मुझे प्यास लगी, मुझे पानी चाहिए। जानत नहीं हो कहा, ये फाइव स्टार होटल है, पांच सितारों वाला, यहाँ पानी नहीं मिलता। बात आपकी सही है, मुझे बहुत मिर्ची लगी, मुझे पानी चाहिए। जब तू गांव से निकली थी तो पानी का लोटा साथ लेकर क्यों नहीं निकली? मुझे क्या मालूम था कि आपके शहर में पानी नहीं मिलता। आपको भी प्यास लगी? हाँ। मैं पानी लेके आती हूँ। ठहर जा छोकरिया, अंदर कहाँ जा रही हो? माफ करना। लगता है समंदर का सारा पानी यहीं पर गया। ए चुकरिया, तू हमका बेवकूफ बनावत है, हम तो का ना छोड़ी। अरे तू हमसे भाग कर कहाँ जाए? रुक जा। एक मिनट देखो, मुझे मैं कहाँ से आया? रुक जा। अरे हम तो का ना छोड़ी। ठहर जा, ठहर जा। अरे तनिक ठहर। अरे अरे हमारे पैर टूट गया। इधर आ, इधर आ, बहुत जोर से लगी। अरे हमका कुछ सुनाई नहीं सर। ए स्टूपिड डेयर सर। हाँ, ये तो नंगी है। इजिट, can't you see and walk? क्या बोली? चुप गवार कहीं की। इतना बड़ा घाघरा पहन के चले आते हैं, ना खुद को संभाल पाते हैं ना अपने घाघरे को। साली नंगी, एक तो तेरी आवाज बेसुरी है ना? हाँ, देखा, ऊपर से तेरे बोल भी बेताल है। छी, शट अप। तुम जैसे लोगों को गांव में ही रहना चाहिए। शहर में दाखिल होने से पहले पासपोर्ट चाहिए, वीजा होना चाहिए। बहुत जबान चल रही है तेरी। कोई नशा किया है क्या? खैर, अभी तुझे बता दी तेरे वीजा और पासपोर्ट का मजा। शुरू कर अपनी नौटंकी। कसम मेरे घाघरे की, तुझे और तेरे सात पुश्तों को बिना टिकट गांव ना भेज दिया। तो मेरा नाम बिजली नहीं है, बिजली। चल ये ले, चल शुरू हो जा।
प्रेम देश की सैर करो इन पैसा लागे ना। की सैर करो ये पैसा लागे ना।
अरे तो घुस गया अंदर। अरे अरे बाहर निकल। अरे साला मार दूंगी तेरे को। अरे निकल 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 निकल। मार दूंगी निकल। खुद मैं चला जाता हूँ। निकल साला भाग गया। चिंगूर, अरे तू तो इतना छोटा था, इतना बड़ा कैसे हो गया? हाँ, तू उसका बाप है। देखा? साले बाप बेटे दोनों के दोनों बेशरम। अरे ये उम्र बेटे को समझाने की है कि किसी की टांग पे ना चढ़े, उल्टा तू ही टांग पे चढ़ गया। देख मेरी बात सुन, हिलना कम। खानदानी झिंगूर बन खानदानी झिंगूर, अपनी इज्जत का ख्याल कर। सारे झिंगूरों की एक मीटिंग बुलवा ले, मेरा मतलब है सारे झिंगूरों की एक बैठक बुलवा, और उनको ठीक से समझा कि किसी के कपड़े काटना, कहीं भी घुस जाना, किसी की टांग पर चढ़ना, ये सब गंदी बातें हैं, शोभा नहीं देती। समझा? आइंदा अगर तू किसी की टांग पे चढ़ा ना तो अच्छा नहीं होगा। समझा कि नहीं समझा? हाँ अच्छा, फिर मिलेंगे। चंदनपुर आएगा ना तो मेरे घर आना। देख अब तुझसे दोस्ती हो गई है, तेरे बेटे से दोस्ती हो गई है। आएगा ना? जा, 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 जा। छोड़ दो मुझे, क्या चाहिए? बेगम चाहिए बेगम। छोड़ दो मुझे। छोड़ देंगे लेकिन निचोड़ने के बाद। छोड़ दो मुझे। निचोड़ने का बड़ा शौक है, आ मेरा हाथ निचोड़, छूते ही तेरी उंगलियां पिघल जाएंगी। Hey!
दीजिए। ये तो एक हाथ में ढेर हो गए। कहते थे छोड़ूंगा मगर निचोड़ के। अरे कभी नींबू निचोड़ा है क्या जो तरबूजा पपीते की बात कर रहे हो? बस इसीलिए तो हम लड़क के सबक जाते हैं। बाबूजी मेरा नाम बिजली है, मैं चंदनपुर के रहने वाली हूँ। मैं शहर में मोहन को ढूंढने के लिए आई हूँ। मेरे पास मोहन का पता नहीं है मगर उसकी तस्वीर है। बिजली तुम अपने गाँव वापिस चले जाओ, तुम नहीं जानती ये शहर कितना खतरनाक है। लो इनकी सुनो। अरे ऐसी कौन सी जगह है जहाँ खतरा नहीं है? अरे जब बोखले में सर डाल ही दिया है तो मुझसे से क्या डरना? और अगर मैं मोहन के बिना गांव वापस चली गई ना तो दुर्गा चाची और बड़का जान दे देंगी। यहाँ रहूंगी तो कम से कम उनको आस तो रहेगी ना। बिजली तुम रहती कहाँ हो? फुटपाथ पे। तुम मेरे घर चलो। आपके घर? बम्बई में सर छुपाने के लिए हर लड़की को मजबूत छत की जरूरत होती है। ये बात तो ठीक कही आपने। ये है मेरा घर। आओ। अंदर। कितना बड़ा घर है आपका। यह तो तोता भी है। मिट्टू भाई खाना लगा देना। मिट्टू नहीं पॉली है। बाबूजी आप तो बहुत अच्छा नाचते हैं। आप लोगों को यहाँ नाच सिखाते हैं? नहीं, मैं लोगों को मार्शल आर्ट सिखाता हूँ। वो क्या होता है? ये एक कला है, जो इसे सीख जाए एक अकेला कई आदमियों को मार सकता है। आप मारने के लिए सिखाते हैं? नहीं, बल्कि अपने आप को बचाने के लिए। ये कितने दिन में सीखा जाता है? ये तो सीखने वाले पर डिपेंड करता है। कई लोग तो सालों में नहीं सीख पाते और कुछ लोग 6-7 महीनों में बहुत कुछ सीख जाते हैं। आप मुझे सिखाएंगे ना? हमारे गांव में एक भूरेलाल करके है, वो मुझे बहुत सताता है। गांव जाते ही डिशम डिशम मैं उसके दांत तोड़ दूंगी। साहब खाना लगा दिया है। हाँ खाना खा ले। नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे सोने के लिए जगह मिलेगी ना? हाँ जरूर, रोजी आज रात यही रहना। जी बहुत अच्छा, आइए शुक्रिया। चलिए मिट्टू मिट्टू। बहुत ताकतवर है। इसमें ताकत की जरूरत नहीं होती, अकल की जरूरत होती है। ठीक कहा आपने। चाय? शुक्रिया। बाबूजी वो सुबह से बाई नहीं आई है तो चाय मैंने अपने हाथों से ही बनाई है। ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन दूध भी कुछ ज्यादा है और शक्कर भी कुछ ज्यादा। पत्ती तो है ना? हाँ है। बाबूजी अच्छी औरत की यही तो पहचान होती है कि दूध भी ज्यादा डाले और शक्कर भी कम ना दे। ऊपर बैठो ना। नहीं नहीं यही ठीक हूँ। बिजली तुम्हें मेरे साथ आते हुए डर नहीं लगा? बाबूजी मैं कोई छुई मुई नहीं हूँ। कल रात पता नहीं मैंने क्या पी लिया था, मेरा तो बाबूजी मेरा तो सर चकरा रहा था, चार चार नजर आ रहे थे। वरना मैं, अरे बाबूजी आप मुझे जानते नहीं है, उन लोगों को तो मैं लट्टू की तरह घुमा देती। और बाबूजी अगर बादल होता ना तो बहुत मजा आ जाता। ये बादल कौन है? बादल मेरा दोस्त है। बाबूजी बादल मेरे को बहुत प्यार करता है और मैं भी बादल को बहुत प्यार करती हूँ, मैं रोज उस पर चढ़ती हूँ। बादल तुम्हारा दोस्त है? हाँ और हीरा भी, मगर वो तो धमाल की चीज है बाबूजी, ना इधर देखता है ना उधर देखता है। जब उसके दिल में आ जाता है ना बाबूजी,
पर चढ़ जाता मुझ पर। तब तो तुम्हारी हालत काफी खराब होती होगी। नहीं बाबूजी, इन दोनों के अलावा एक तीसरा भी है, मोती नाम है उसका, मोती। बाबूजी, इन तीनों को मैं अकेली संभाल लेती हूँ। वो गुंडे भी तीन चार ही थे, उनको भी संभाल लेना था, मैं तो यूं ही बीच में आ गया। बाबूजी, देखो इंसानों को संभालना ना बहुत मुश्किल काम है, मगर जानवर, अरे जानवरों को संभालना तो बहुत आसान काम होता है। तुम्हारे दोस्त जानवर हैं? और नहीं तो क्या, बादल बादल मेरा घोड़ा है, मोती मेरा कुत्ता है। अरे बाबूजी आप क्या हंस रहे, वो हीरा है ना हीरा, वो छोटा मोटा मेरा बंदर है। अरे अरे इसमें हंसने की क्या बात है। अरे जा अपने कपड़े बदल लो, कहीं जाना है। हाँ मेरा दोस्त है, पिक्चर में डायरेक्ट करता है, उससे मोहन का शायद कुछ पता चले। जाओ तैयार हो जाओ, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। ठीक है अभी आती हूँ। हेलो बी सुभाष जी हैं? हाँ रमन भाई, यहाँ मिथुन खड़ा है फोरग्राउंड में और मंदाकिनी पीछे से आ रही है। ओके अच्छा, अब उसके क्लोज में आ रही है, कम टू टाइट क्लोज, उसकी आंखें एकदम लाल है, रेड गुस्से से भरी हुई। ओके ओके सर। अरे अशोक वो पंजे पे ब्लू फिल्टर डाल। हाँ रमन भाई ये डेसी है। ओ रवि, हाय रवि, हाय सुभाष। सुभाष ये बिजली है, बिजली है सुभाष जी। नमस्ते, आइए बैठिए। आओ बैठ। हाँ रवि, ये गांव से आई हैं, इनकी तलाश में, सेम ओल्ड स्टोरी, फिल्मों का शौक, घर से भागना और घर वालों का परेशान होना। एक यही नहीं, गांव-गांव से न जाने कितने लड़के हीरो बनने के लिए आते हैं, और जब हीरो नहीं बन पाते तो भीड़ में खड़े आने वाले जूनियर आर्टिस्ट बन जाते हैं। खैर हमारे जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर है सूरी साहब, उनसे पूछते हैं। सूरी साहब। आया सुभाष जी। अरे यार बड़ी गर्मी है आज। आपने बुलाया सुभाष जी? ये लड़का गांव से भाग कर आया हीरो बनने के लिए, आपने देखा इसे? हाँ ये आया तो था मेरे पास काम मांगने के लिए, जूनियर आर्टिस्ट। आपने इसे देखा है? कहाँ है वो, कैसा है वो? अभी तो ये स्पॉट बॉय का काम करता है। ये स्पॉट बॉय क्या होता है? दीदी मोहन, नहीं नहीं मोहन, ये क्या हो गया, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक तो हूं मैं। झूठ बोलना भी सीख गया है, इसीलिए गांव छोड़कर आया था, इसीलिए दुर्गा चाची और बरखा को रोता सिसकता छोड़कर आया था, इसीलिए। बता दे बता दे कौन सा दिन है आज, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि तू किस हीरो की जबान में बात कर रहा है। अरे पगले, तूने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा, परखा के बारे में नहीं सोचा, कहती थी रेल के नीचे आकर अपनी जान दे देगी। नहीं दीदी। क्यों क्यों किया तूने ऐसा? क्या इज्जत और आबरू से मिलती हुई तीन टाइम की रोटी काटती थी तुझे? हाँ मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। माफी मांगनी है तो उन लोगों से मांग जो तेरे इंतजार में अपनी खबर लेना भूल गए हैं। खरीद लिया जो खरीदना था? चलो नहीं तो बस निकल जाएगी। मैंने तुम्हारे घर तार कर दी है कि कल तुम मोहन के साथ गांव पहुंचने वाली हो। अच्छा? परखा तो खुशी से पागल हो जाएगी। हाँ मोहन भाई साहब जी, ये जरा एक कंगन दिखाना। ये लीजिए। ये जूते अकिन चाचा को बहुत पसंद आएंगे। सुनिए ये जूते कितने के हैं? दो नहीं हाँ? 50 रुपए के। लीजिए। ये कंगन नहीं चाहिए आपको? नहीं। दीदी हाँ? तुमने सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदा, अपने लिए कुछ नहीं? अरे पगले, सिर्फ 20 रुपए तो बचे हैं, रास्ते में खर्चे के लिए काम आएंगे, इतना लंबा सफर है। हाँ? कितने हुए? 26 रुपए। ये लो भाई साहब। हाँ जी। चंदनपुर की बस कौन सी है? चंदनपुर? हाँ ये गाड़ी। अच्छा चलिए चलो लाइन में जाओ। हाँ हाँ वहाँ लाइन में जाइए। यानी
बाबूजी, आप हमारे गांव आएंगे ना? हाँ आऊंगा। कब? जी तो चाहता है कि अभी चलूं। तो फिर चलिए ना हमारे साथ। अभी नहीं, इस तरह बीच में काम छोड़ के जाना मुश्किल है, लेकिन आऊंगा जरूर। अच्छा नमस्ते। 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 बाबूजी, मैं मोहन को बंबई से लेकर आई हूँ। उसे दुर्गा चाची के पास भेज दिया है और साथ में शादी का सारा सामान भी खरीद लिया है मैंने। मुझे दिखा। ये क्या है? ये है बरखा की साड़ी। और ये क्या है दीदी? कहाँ गया? सीता में थोड़ा कहाँ गया? ये रही सीता की सलवार। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। और बाबूजी, अरे ये शॉल आपके लिए है। अरे मेरे लिए? अरे मगर क्यों बेटे? बाबूजी, आप इस शॉल में बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस लग रहे हैं। और ये है बरखा की सुहाग की चुनरी। शादी के दिन इसे मैं खुद तुझे अपने हाथों से पहनाऊंगी। इसमें क्या है दीदी? ये बरखा के लिए बहुत ही खास चीज है। अभी किसी को दिखाऊंगी भी नहीं, विदाई के वक्त दे दूंगी इसे। ला मुझे दे। अरे पर बेटे, तू अपने लिए कुछ नहीं लाई? नहीं बाबूजी। दीदी, ये कंगन किसके? कंगन? सिर्फ एक कंगन मेरे लिए है। कहाँ जा रही है तू? हकीम से सकली बंबई से तोहफा लेकर आई हूँ, अभी देकर आती हूँ। अरे सुन सुन बेटे। हाय हाय बिजली, बंबई से एक छोटा सा तोहफा मेरे लिए भी ले आती? लो इनकी सुनो, अपना चेहरा कभी आईने में देखा है? आईने से अच्छा आप कीचड़ में देखेंगे तो कमल के फूल की तरह लगेंगे। हकीम चाचा। अरे आ गई मेरी बेटी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। मैं ढेर सारा काम करके आई हूँ। मोहन को बम्बई से लेकर आई हूँ, शादी का सारा सामान खरीद कर आई हूँ और आपके लिए भी कुछ लाई हूँ। क्या? जूते अच्छे हैं ना? अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो फिर जल्दी से पहन के दिखाइए ना। बरखा की शादी पर पहनूंगा। बरखा की शादी पर पहनूंगा, बस इसलिए तुम लटक के सटक जाते हैं। मैं बरखा की शादी तक इंतजार नहीं कर सकती। आज के बाद मैं आपको फटे हुए जूते नहीं पहने दूंगी। चलो जल्दी से पहनो। नहीं बेटे, बस हाय 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 हाय, लगता है ना तुम स्कूल की तरफ गई और ना ही मुखिया के घर गई, वरना वो दोनों जगह का सन्नाटा तुम्हें ये बता देता कि दोनों मुखिया और मास्टर अपना सिस्टम छोड़ने ऊपर चले गए। अरे इन पर तो चंगेजा ने दया दिखलाई है कि ऊपर से छोटा नहीं किया। अगर इस गांव में पत्ता भी हिलना चाहे तो सरकार के बगैर नहीं हिलता। इन्होंने तो गांव के मुखिया को उसके घर के बाहर रस्सी से गोल गोल बांधा ये सरकार, और बारूद के ढेर पे रख के ड्रम करके उड़ा दिया। वो तो छोड़ो, उसकी बात की सुनो। मास्टर जी को हकीम के कंधे पे चढ़ाकर हकीम की टांग काट दी। एक की गई जान, दूसरे की गई टांग। Hey!
रुको। अरे आप क्यों चिंता करते हैं? अरे उनकी किस्मत में तो जूते लिखे हैं ऊपर वाले ने, आज उनका जूते खाने का दिन है। आप लिटरी इस इलाके की माओ ने चंगेजा के डर से मर्द पैदा करना बंद कर दिया है। फिर वो कौन है जिसने तेरी ये हालत की है? क्या उसे पता नहीं चंगेजा के शिकार का एक एक हिसाब तेरे गले में लटका हुआ है? उसे सब पता है, उसे तेरे सिस्टम के बारे में सब कुछ पता है, फिर भी उसने सारे गांव वालों के सामने मुझे मारा, मुझे पीटा, ताकि गांव वालों के दिलों से तेरा डर हमेशा डर। चंगेजा का डर गांव वालों के दिमाग से सिर्फ तब जा सकता है जब उनकी आदा। तुम सब के सब यहीं बैठे हो, बरखा बिटिया की शादी पे नहीं चलना है क्या? चलते हैं हकीम भाई, अभी आ रहे हैं। आओ जल्दी। आधा वर्ष हकीम चाचा। जीता रहे, जीता। घर जाना अभी घर है बेगाना।
देखकर हंसने की आदत पड़ चुकी है। आज मैं तुम सबको ऐसा तमाशा दिखाऊंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्ल जिंदगी भर हंसना भूल जाएगी। तुम में से बिजली कौन है? सामने आओ। मैं हूं बिजली। तो ये भूल गई थी कि आग में फूंक मारने से शोले अपने ही चेहरे पर आते हैं। मत मेरी बहन की डोली रुखसत हो जाने दे। डोली क्या? चंगेजा अपने सामने किसी के अर्थ भी नहीं उठने देता। चंगेजा, अगर तेरी जान लेने की हवस पूरी नहीं हुई तो मेरी जान ले रहे दरिंदे। चंगेजा को उसकी जान लेने में मजा आता है जिसके बदन में तड़पने की ताकत हो। तू तो वैसे भी आधा मुर्दा है। हकीम चाचा, चाचा। चंगेजा नहीं, हम पे रहम खाओ। रहम? ये किस जानवर का नाम है? हमने तो कभी नहीं खाया। मैं तुझे ऐसा तमाशा दिखाऊंगा भी चंगेजा जो किसी बाप ने नहीं देखा होगा। आगे वाली, ये घोड़े का लगाम नहीं शेर का पंजा है। शेर का पंजा। छोड़ मेरी दीदी को। बंद इसे। बरखा। दीदी। नहीं बरखा। बरखा। दीदी। वाह, ये तो सजी सजाई दुल्हन है। पंडित ने मंत्र भी पढ़ लिए, फेरे भी लग गए, अब सिर्फ सुहाग रात मनाना बाकी है। नहीं! चंगेजा, मैं तेरे खून पी जाऊंगा।
तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज तक लोगों ने बंद कमरों में सुहाग रात मनाई है, लेकिन तुम खुलेआम सुहाग रात मनाओगी। कितना अरमान होगा इस बेचारे को सुहाग रात मनाने का। अब इसकी आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब तुम इसके लाश के सामने सुहाग रात मनाओगी। क्या तुम नहीं चाहती कि इसकी आत्मा को शांति मिले? इस इलाके के हजारों लोग एक ऐसा मर्द पैदा नहीं कर सके जो चंगेजा के सामने आंख उठाकर देख सके। आज पहली बार किसी ने चंगेजा को ललकारा है, वो भी एक औरत ने। थूक औरत के नाम पर थूकता है कमीने, जबकि किसी औरत का थूक चाट चाट कर तेरा बचपन माँ की गोद में होता होगा। अरे अगर थूकना है तो अपने आप पर थूक। एक औरत की कोख से जन्म लेकर तूने औरत के कोख को सरेआम बेइज्जत किया है। एक औरत ही तुझसे इसका बदला लेगी। मैं बदला लूंगी जगेदा, मैं बदला लूंगी। चिल्ला और चिल्ला। बहुत दिनों से धरती ये सुनने के लिए तरस रही है कि कोई तो चंगेजा के खिलाफ आवाज उठाए, कोई तो उससे बदले की बात कहे। चिल्लाओ और चिल्लाओ। याद रख चंगेजा, एक औरत सबसे ज्यादा तब चीखती चिल्लाती है जब वो किसी को जन्म देती है। मैं तेरी मौत को जन्म दूंगी चंगेजा, तेरी मौत को जन्म दूंगी, तेरी मौत को। अबे बुढ़े, बहुत उबाल है तेरे खून में, मगर इसके बावजूद भी तू ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? सिर्फ मेरे जिस्म की भूख मिटा सकती है, बस। एक औरत ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है ये तू नहीं समझ सकता, क्योंकि तू जुल्म के नशे में अंधा हो गया है। मगर एक औरत जब जुल्म के नशे में पागल हो जाती है तो माँ से काली और दुर्गा बन जाती है। उसका पागलपन जालिमों का सर काट कर खून पीने के बाद भी खत्म नहीं होता। एक बात याद रखना चंगेजा, औरत जब सिमटती है तो शबनम का कतरा बन जाती है, और जब फैलती है तो आग का दरिया कहलाती है। ले जा रहा हूं तेरे जिगर के टुकड़े को, ताकि तेरे अंदर का ज्वालामुखी फटता रहे और तू आग के दरिया से आग का समंदर बन जाए। सिर्फ दशहरे के 10वें दिन तक मैं इंतजार करूंगा तेरा। अगर तब भी तू नहीं आई तो इसको टुकड़ों में बांट दूंगा और समझ लूंगा कि औरत पांव की जूती है जो फैलने के बाद भी जूती ही रहती है। औरत को कमजोर मत समझ चंगेजा। हे गौरत, तुम जैसे 10 चंगेजा पैदा कर सकती है, मगर तुम जैसे 10 चंगेजा मिलकर एक मां नहीं बना सकते। लाऊंगी चंगेजा, मैं तेरी मौत बन जाऊंगी चंगेजा।
बच्चे। हकीम भाई खोलो इसको। हकीम भाई बेटे, बरखा बेटे, बरखा बेटे, बरखा बेटे, बरखा, 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 बरखा। सुहागन को बेइज्जत किया है, तूने उसकी चुनरी की लाज को लूटा है। मैं उस सुहागन की चुनरी की कसम खाती हूँ, तेरी जिंदगी को उसी की चुनरी से मौत के रास्ते ले जाऊंगी।
बिजली, तुम कब आई? बाहर क्यों खड़ी हो? आओ बिजली, अंदर आओ, आओ। माफ करना, ये लाइट ऑफ हो गई है। क्या बात है बिजली, बोलो ना। अच्छा, मोहन फिर घर से भाग गया। हाँ, आओ आओ बैठो। क्या हुआ, क्या बात है बिजली, बोलो ना। मोहन बरखा की शादी कैसे रही? मोहन बरखा के लिए टोली लेकर तो आया था, लेकिन दोनों ही अर्थे में विदा हो गए। बरखा की इज्जत, बरखा की इज्जत सबके सामने लूट ली गई। उस मंडप में उसका सब कुछ चलकर खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। किसने किया है सब कुछ? चंगेज़ ने, वो भी नहीं, छोटी बहन गीता को भी उठा कर ले गया। चंगेज़ा अगर जुल्म का नाम है तो रवि जुल्म मिटा देने का ऐलान है। मैं चंगेज़ा के पास जाऊंगा ये बताने कि जालिम की मौत कितनी दर्दनाक होती है। चलो ले चलो मुझे अपने गांव। नहीं। क्यों, तुम्हें चंगेज़ा की मौत नहीं चाहिए? चाहिए, मुझे चंगेज़ा की मौत चाहिए। रवि, मैंने सौगंध खाई है कि चंगेज़ा की मौत मैं बनूंगी। उसे दिखा दूंगी कि औरत चादर और तौलिया बनकर जिस्म पर लिपटने के लिए नहीं बनी। तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? ये कंगन वापस ले लो रवि। ये कलाइयों को कमजोर कर देते हैं, मेरी इन कलाइयों में शक्ति भर दो रवि। मुझे अपनी सारी कला सिखा दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। काश तुमने मुझसे मेरी जिंदगी भीख में मांगी होती। ये सब सीखने के लिए कई साल लग जाते हैं बिजली। लेकिन तुम्हें तो कहा था अगर सीखने वाले की लगन सच्ची हो तो वो बहुत जल्द सीख सकता है। कहा था ना, कहा था ना। हाँ, लेकिन ये है मेरी लगन। ये क्या किया? तुम्हारा सिर्फ हाथ ही नहीं जला, चंगेज़ा की जिंदगी की रेखा जल गई है।
तरफ से चंगेजा के खिलाफ रिपोर्टें आ रही हैं। उसे खून की चाट लग चुकी है। चंदनपुर के इलाके में वो आतंक बन चुका है। उसे किसी न किसी तरह जिंदा या मुर्दा पकड़ना होगा। उस आतंक को खत्म करने के लिए आप लोगों को जो भी रास्ता अख्तियार करना पड़े कीजिए, और बताइए कि डिपार्टमेंट से आपको क्या मदद चाहिए। सर, चंदनपुर के इलाके में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, हर जगह पुलिस फोर्स बढ़ा देनी चाहिए। अलग अलग कार्रवाई करने से अच्छा है कि हम सब मिलकर चंगेजा के खिलाफ कार्रवाई करें। He's right, सर। उसे जंगल के शेर की तरह चारों तरफ से घेर लिया जाए। गलत। आप लोग उस वक्त तक चंगेजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक वहां की जनता आपका साथ नहीं देती। हाँ, जनता हमेशा डर का साथ देती है, और सबसे बड़ा डर चंगेजा का है। मगर चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, डर का भी एक तोड़ है, और वो है रुपया। आप 50,000 के जगह चंगेजा पर 3,00,000 का इनाम रख दीजिए। वहां की भूखी नंगी जनता के लिए इतना काफी है। उनमें से कोई ना कोई सर पर कफन बांधकर डर को तोड़ता हुआ चंगेजा डाकू को जिंदा या मुर्दा कानून के सामने पेश कर देगा। डाकू चंगेजा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को ₹3,00,000 दिए जाएंगे। लोग अपने सर पे ताज पहनकर अपने सर की कीमत बढ़ाते हैं, लेकिन चंगेजा लोगों की लाशें अपने कदमों पे बिछाकर अपने कीमत बढ़ाता है। जाओ, इसे ले जाओ और सारे गांव में चिपका दो। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, चंगेजा को दुश्मन की जरूरत है। 3,00,000 रुपए की लालच में शायद कोई दुश्मन पैदा हो जाए, जिसका सर काट कर चंगेजा अपने सर की कीमत फिर से बढ़ा देगा। 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 50,00,000। अरे मोहन की माँ, इतनी देर तक चंगेजा की तस्वीर कोई नहीं देख सकता। जरूर तू अपने लाडले मोहन की याद को अपने सिस्टम से जोड़ रही होगी। देखा, देख लिया ना बिजली का सिस्टम? अरे अच्छा भला तुम्हारा मोहन शहर में हीरो बन जाता, बस उसे यहाँ बुलवा कर जबरदस्ती बिजली ने उसे मरवा दिया कि नहीं मरवा दिया? नहीं, मेरा मोहन नहीं मर सकता, मेरा बेटा हमेशा जिंदा रहेगा। वो ठीक ही कहता था कि वो एक दिन हीरो बनेगा, और वो हीरो बनकर ही रहा। कमाल साले कहीं के बात ही नहीं। मैं आपके लिए ये पोस्टर फाड़ के रख दूं? क्यों, कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में लपेट कर आपको जला देंगे। आओ बिजली, आओ बिजली, आओ बिजली, आओ। मोहब्बत जो उसने बनाई नहाती, मोहब्बत जो उसने खुदाई न होती।
थोड़ी लबों की नरमी, बदन को थोड़ी बदन की गर्मी। लबों को थोड़ी लबों की नरमी, बदन को थोड़ी बदन की गर्मी। जा बेटे। डर गई? डरो नहीं, दशहरे के दसवें दिन तेरे सारे डर दूर हो जाएंगे। तू घर जाएगी हमेशा के लिए। जय बजरंगबली। हकीम भाई, मैं दिन रात भगवान के सामने माथा रगड़ता हूँ, तुम पांचों बार नमाज में सजदा करते हो। अपना सर झुका के छुपाया तो जा सकता है, लेकिन जालिम का सर काटा नहीं जा सकता। दुआओं के असर से फूल की पत्ती भी पत्थर का दिल चीर देती है। मगर हकीम भाई, चंगेजा कोई मामूली पत्थर नहीं, वो पहाड़ है। पहाड़ वो कैसे टूटेगा, उससे बड़ा कोई पहाड़ नहीं। रामेश्वर, पहाड़ को पहाड़ से नहीं तोड़ा जाता, उसे तोड़ने के लिए थोड़ी सी बारूद चाहिए, बारूद। शाबाश बिजली, अब तुम वाकई बिजली बन गई हो। बिजली, ये क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें साथी बनकर सिखाया है,
तुम मुझे गुरु क्यों बना रही हो? रवि, अगर मैंने तुम्हें अपना साथी बना लिया तो मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं कर सकूंगी। आज दशहरे का आठवां दिन है और अब मुझे अकेले ही जाना होगा। ठीक है, गुरु बना ही दिया है तो अब मैं तुमसे अपनी गुरु दक्षिणा मांगता हूं। ऐसा कुछ मत मांगना रवि कि मैं अपनी सौगंध पूरी ना कर सकूं, नहीं तो दुनिया में औरतों के दिलों से ये विश्वास उठ जाएगा कि एक बहन उनकी रक्षा कर सकती है, उनके खून का बदला ले सकती है। ऐसा कुछ मत मांगना रवि कि लोग औरत को कमजोर और कायर समझें। बिजली, ये कंगन पहन लो और दुनिया को बता दो कि कंगन के हाथ मौत का पंजा भी मरोड़ सकते हैं। बिजली आ गई। बाबूजी, बेटी, बिजली, बेटी तुम अपने बाप को छोड़ के कहाँ चली गई थी? मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़ के बेटी? बोलती क्यों नहीं? हकीम चाचा, आप कागज पर नमाज पढ़ रहे हैं? शैतान की पीठ पर नमाज पढ़ना सबसे बड़ा नेकी का काम होता है बेटी। रोक मत इसे, जाने दे। बेटे, नहीं। शायद तूने इसे गौर से नहीं देखा, वरना यही कहता कि दशहरे की दशमी को खुद दुर्गा माँ चल कर तेरे पास आई है। बिजली, तू बहुत ही कड़क रही है। मैं तेरी साड़ी कड़क निकाल कर तुझे हमेशा के लिए नरम बना दूंगा। हाँ।
बोल भूरे लाल कहाँ है? छोटी कोटी भूरे लाल जान जूता किसने फेंका है? कौन है ये? कौन? तुम इस जूते को पहचानते हो भूरे लाल? पहचानो इस जूते को। ये वही जूता है जो मैं हकीम चाचा के लिए लाई थी। अब की इसमें नई कील भी लगा दी है ताकि ये जल्दी घिसे ना। कर्म करके भूल जाते हो बस, इसीलिए तुम लटक के सटक जाते हैं। बिजली धानी मत मारो, बिजली धानी मुझे मत मारो। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे जूतों का हार बनाकर अपने गले में पहन लूंगा। तुम्हारी गर्दन हकीम चाचा के पाक जूतों के काबिल नहीं है। पता चंगेज़ा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम चंगेज़ा का सिस्टम। मुझे तेरा हर सिस्टम मालूम है, बता। बोल 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 चंगेज़ा कहाँ है? बोल 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 चंगेज़ा ने सीता को कहाँ छुपा रखा है? बता दो काली पहाड़ी के पीछे है वो। देख तेरा सिस्टम। तेरी बड़ी तमन्ना थी ना कि मैं तेरे लिए शहर से जाकर तोहफा ले आऊं, तो जा लंगड़ते हुए भीख मांग हकीम चाचा से, शायद वो तुझे एक बैसाखी दे दे जो तुझे जिंदगी भर काम आए। तेरी ये हालत किसने की शेरू? बोल बोल चंगेज़ा कहाँ है? चंगेज़ा चंपा भाई के कोठे पे गया, लेकिन तुझे किसने मारा? बिजली you
आ गई तू बाबा। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। जिस जिस चंगेजा के डर से आप लोग अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं, आज आज मैं उसी चंगेजा के घर में आग लगा कर आई हूँ। हाँ, आग लगा कर आई हूँ। चाहती तो वहीं रुक जाती और मौत बनकर उसका इंतजार करती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि चंगेजा की मौत आप सब लोगों की आंखों के सामने हो, ताकि उसका डर आप लोगों के दिलों से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। इस काम में मुझे आप सब लोगों की जरूरत है, आपका साथ चाहिए। चंगेजा बहुत जल्द यहां आता ही होगा, उसके आने से पहले हमें जंग का मैदान तैयार करना है, उसके हर वार से पहले हमें हजारों वार तैयार करने हैं। लेकिन बिजली, हम चंगेजा के सामने कैसे लड़ सकते हैं? बाबा, मैं नहीं चाहती कि आप चंगेजा के साथ लड़ो, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आपके घरों में जो जो सामान है आप मुझे दे दो, और बदले में मैं वादा करती हूँ मैं आप लोगों को चंगेजा की लाश दूंगी। चंगेजा के साथ मैं लड़ूंगी, ये मेरी जंग है, चंगेजा मेरा शिकार है। अगर मैं मर गई तो ये मेरी हार होगी, और अगर मैं जीत गई तो ये हम सब की जीत होगी, इस गांव की जीत होगी, अच्छाई की बुराई पर जीत होगी। आप लोग मेरे साथ है ना? बिजली ने, बिजली पिला करके जो दूध करती है पालन सभी का, वो सर काट के खूब पी सकती है आदमी का, जो बदला we
तुमने मेरे पीछे मेरे घर को नहीं बल्कि अपनी किस्मत की रेखा जलाई है। बाहर निकल। Thank you.
उसे मत उठा बाबा, उसे चोट लगने दो। उसे जितनी चोट लगेगी वो उतनी ही खतरनाक होती जाएगी। उठो बिजली, उठो। अच्छा तो तू है वो शहरी मास्टर जिसने बिजली को लड़ना सिखाया है, एक एक लड़की को लड़ना सिखाया है। चंगेजा के देहाती हड्डियों से जब तू टकराएगा तब तेरी मास्टरी धड़ी की धड़ी रह जाएगी। देखता क्या है, उठ। अगर तू मर्द का बच्चा है तो चलाओ हाथ, चलाओ। ये हाथ कब का चल चुका होता और तू जमीन के नीचे कई हाथ जा चुका होता, मगर तू बिजली का शिकार है, वही तेरा शिकार करेगी। ये तो आप उठकर अपनी मौत भी नहीं देख पाएगी। इस गांव में लकड़ियों की बहुत कमी है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों की एक ही चिता जले। चलाओ हाथ। Thank you.
उठो बिजली, उठो उठो, मैं कहता हूं उठो बिजली, तुम्हें अपनी कसम पूरी करनी है, उठो और बिजली बनकर टूट पड़ो। उठो बिजली और मिटा दो इस जालिम का निशान, उठो मैं कहता हूं उठो, उठो बिजली, बिजली 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 बिजली। जानो इसे, ये किसका खून है, जुल्म करने वालों का या जुल्म सहने वालों का या जुल्म मिटाने वालों का, पहचानो इसे, ये किसका खून है। दरिंदा भी दरिंदा का खून नहीं करता, लेकिन इंसान, ये इंसानियत का खून है, और ये खून उस वक्त तक बहता रहेगा जब तक हम सब बुजदिल बने रहेंगे। इसे देखो, सिर्फ एक औरत ने बुजदिली का लिबास उतार कर फेंका तो कितने जालिमों ने खून के कफन पहन लिए। तुम लोग भी डरना छोड़ सकते हो, और अगर एक बनकर मरना सीखो तो मारने वाला पैदा ही नहीं होगा, तब जाकर इंसानियत के खून का बहना रुक पाएगा, तब जाकर हम सब इंसान कहला पाएंगे। गांव वालों, आज बिजली ने वो मिसाल कायम कर दी है कि इस देश के हर माता पिता भगवान से बेटी ही मांगेंगे। इसने ये साबित कर दिया है कि औरत जात किसी तरह मर्द से कम नहीं है, औरत जात किसी तरह मर्द से कमजोर नहीं है, औरत जात कायर नहीं है। मेरा तुम सबको आशीर्वाद है गांव वालों कि भगवान तुम्हें बेटी दे, बेटी ही दे। बोलो बिजली की जय।